हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द गेट एक्सीलेंस फ्रेंड्स डेटाबेस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने की सीरीज में आज हम सॉल्व करेंगे गेट सी एस डी बी एम एस दो हजार सोलह सेट वन दो हजार सोलह सेट वन में जो डीबीएमएस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे फ्रेंड्स उनको हम सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन वन आपके सामने है दो हजार सोलह सेट वन का ठीक है डी बी एम एस बेस्ड विच आर ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ डेटा बेस्ड ट्रांजेक्शन ठीक है एसिड प्रॉपर्टीज ओके सो एसिड प्रॉपर्टीज में फ्रेंड्स ए सी आई डी ए का मतलब होता है क्या अटोमिसिटी अटोमिसिटी सी मीनस अ कंसिस्टेंसी ठीक है आई मीन्स अइसोलेशन एंड डी मीन्स अ ड्यूरेबिलिटी ड्यूरेबिलिटी तो यहां पर अटोमिसिटी है कंसिस्टेंसी आइसोलेशन है लेकिन डी का मतलब क्या होता है ड्यूरेबिलिटी तो ये ऑप्शन यहां पे गलत हो जाएगा ऑप्शन डी जो है, यहाँ पे गलत है, ऐसे नहीं है. तो नॉट हमें ट्रांजेक्शन डी इज ड्यूरेबिलिटी ठीक है सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ रिलेशनल स्कीमा विथ एट्रीब्यूट वी डब्ल्यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ठीक है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुपर की इन द रिलेशनल स्कीमा ठीक है एंड प्राइमरी की हमको क्या दे रखी है फ्रेंड्स सुपर की इन रिलेशनल स्कीमा दिस इज ये आपको स्कीमा दे रखा है और ये आपको प्राइमरी की दे रखी है फ्रेंड्स प्राइमरी की क्या है वी वाई ठीक है तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इसमें जो है रिलेशनल स्कीमा में ठीक है Uh, कौन सी सुपर की नहीं है एट्रीब्यूट्स आपको गिवन है और प्राइमरी की आपको गिवन है ठीक है तो आप देखें कौन सी नहीं है हमें वो बताना है सो वी जेड वी एक्स वाई जेड ओके वी एक्स वाई जेड यहाँ पे देखें वी और y वी और y प्राइमरी की है ठीक है ये कोई दिक्कत नहीं है ओके okay? यहाँ पर भी आप देखें v और y प्राइमरी की है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ये भी सुपर की है ओके okay? बिकॉज सुपर uh, की जो है एक कैंडिडेट की ही होती है एवरी कैंडिडेट की इज ए सुपर की ऑल्सो तो एट्रीब्यूट आना प्राइमरी की के जरूरी है तो so, वी और वाई यहाँ पर भी है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ये भी सुपर की है लेकिन देखिए आप ऑप्शन बी में ऑप्शन बी में जो है वी आ रहा है लेकिन वाई नहीं आ रहा है कैंडिडेट की वाई नहीं आ रही है तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा वी डब्ल्यू एक्स जेड इज नॉट सुपर की ऑफ दिस स्कीमा ठीक है क्योंकि प्राइमरी तो है लेकिन वाई प्रेजेंट नहीं है ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है द फॉलोइंग टू लॉकिंग प्रोटोकॉल टू पी एल सपोज अ ट्रांजेक्शन टी एक्सेस अ रीड और राइट ऑपरेशन एक्सेस अ रीड और राइट ऑपरेशन सर्टेन सेट ऑफ ऑब्जेक्ट ठीक है सर्टेन सेट ऑफ ऑब्जेक्ट ओवन टू ओके एंड दिस इज डन इन दैनर स्टेप वन टी वनवासूसिव लॉक ठीक है स्टेप टू क्या है द रिक्वायर ऑपरेशन आर परफॉर्मड स्टेप थ्री इज द लॉक आर रिलीज ठीक है पहले सारे एक्सक्लूसिव लॉक लगे हैं फिर ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है उसके बाद में सारे लॉक को क्या कर दिया रिलीज कर दिया है ठीक है चार ऑप्शन दे रखे हैं क्या सही होगा जिस प्रोटोकॉल के लिए गारंटी सीरियलाइजेबिलिटी डेडलॉक फ्रीडम गारंटी नाइदर सीरियलाइजेबिलिटी और नॉर डेडलॉक फ्रीडम गारंटी सीरियलाइजेबिलिटी बट डेडलॉक फ्रीडम एंड गारंटी डेडलॉक बट नॉट सीरियलाइजेबिलिटी ठीक है तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स स्ट्रिक्ट टू पी एल टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल की हम बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल यहाँ पे सीरियाजिलिटी है गारंटीज फॉर द दीरियाबिलिटी एंड इट इज ऑल्सो दॉ फ्रीडम ऑप्शन ए सही होगा फ्रेंड्स यहाँ पर क्यों हम देखते हैं इज कंजर्वेटिव और वी कैन स्ट्रिक्ट टू पी एल ठीक है स्ट्रिक्ट टू पी एल जो हमें सीनैरियो दे रखा है फ्रेंड्स उसमें पहले सारे लॉक लग रहे हैं ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं और सारे रिलीज हो रहे हैं सो इट्स बेसिकली ए स्टेटिक टू पी एल ठीक है और बेसिकलीटिव टू पी एल इन कंजर्वेटिव टू पी एल प्रोटोकॉल ट्रांजेक्शन हैजटम्स आइटम्स इट एन एक्सेस बिफोर दिगिन्यूशन ठीक है सही बात है सारे ट्रांजेक्शन में लॉक लग जाएंगे बिफोर द ट्रांजेक्शन बींग एग्जीक्यूटेड इट इज यूज टू अवॉइड द डेड लॉक्स ये बेसिकली क्या होता है डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए काम में ले जाता है एंड स्टेटिक टू पी एल इज द्लिक्टेर फॉर दर फॉर दिजिलिटी एंड इट इज ऑल्सो एन्श्योर दी नो पॉसिबिलिटी ऑफ द डेड लॉक सो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा फ्रेंड्स जो सीनारियो आपको दे रखा था या आपको पहचानना था कि कौन सा सीनारियो हमको यहाँ पे गिवन है लॉक कैसे लग रहे हैं उसी सीनारियो के बेस पर हमें पता लगा कि जो स्टेटिक टू पी एल है या कंजर्वेटिव टू पी एल है उसमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं डेडलॉक की और ये जो कॉन्फ्लिक्ट uh, शेड्यूल है उसको भी ये इंश्योर करता है ठीक है और ड्रॉबैक्स अगर हम बात करें फ्रेंड्स कंजर्वेटिव टू पी की तो यहाँ पे क्या है लेस थ्रूपुट एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन स्टारवेशन इज पॉसिबल सिंस नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द अनलॉक ऑपरेशन ठीक है किसी दूसरे जो ऑब्जेक्ट है उनको जो है लॉक अक्वायर नहीं होंगे तो स्टारवेशन की प्रॉब्लम हराइज हो जाएगी टू पी एल इज अ डेडलॉक फ्री प्रोटोकॉल डेडलॉक फ्री प्रोटोकॉल बट इज डिफिकल्ट टू यूज इन प्रैक्टिस ठीक है सो दीज आर सम ड्रॉबैक्स रिलेटेड टू दी कंजर्वेटिव टू पी एल और स्टैटिक टू पी एल ठीक है सो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का ए सही हो जाएगा ओके okay? नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स uh, एक क्वेश्चन हमें दे रखा है जो कि नॉर्मलाइजेशन uh, के ऊपर बेस्ड है डेटा डेटाबेस रिसर्चर्स आर्टिकल इन अ जर्नल यूज द फॉलोइंग स्कीमा ठीक है वॉल्यूम देन नंबर देन स्टार्ट पी जी ई एंड पेज टाइटल ईयर एंड प्राइस ये कुछ एट्रीब्यूट हमें दे रखे हैं द प्राइमरी की इज ये आपको गिवन है प्राइमरी की गिवन है वॉल्यूम नंबर स्टार्ट पेज एंड पेज ठीक है फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज ओके प्राइमरी की या मैं कहूँ प्राइम एट्रीब्यूट ठीक है प्राइम एट्रीब्यूट आपको गिवन है ओके नाउ फ्रेंड्स वॉल्यूम नंबर ठीक है नंबर स्ट्रेटजीज एंड पेज इज टेंस टू अ टाइटल ठीक है और वॉल्यूम नंबर नंबर ठीक है ईयर देन वॉल्यूम नंबर स्टार्ट पेज एंड पेज एंड प्राइस ठीक है अब क्या किया ये जो है ओल्ड स्कीमा है उसको हमने क्या किया रीडिजाइन किया है द डेटाबेस इज रीडिजाइन टू यूज द फॉलोइंग स्कीमा ठीक है तो ये नया स्कीमा बन गया देन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछा है दैट व्हिच वन व्हिच इज द वीकेस्ट नॉर्मल फॉर्म दैट इज द न्यू डेटाबेस सैटिस्फाइड बट ओल्ड वन डज नॉट ठीक है ओल्ड वन डज नॉट ओल्ड के लिए नहीं देन विच वन ऑफ द वीकेस्ट नॉर्मल फॉर्म यहां पे वीकेस्ट नॉर्मल फॉर्म कौन सी है तो यहां पे आप देखें इसमें जो है अगर मैं इस फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात करूं ये फंक्शनल डिपेंडेंसी यहां पर पार्शियल पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी है और अगर पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी है ठीक है पार्शियल

जो न्यू वन जो दे रखा है फ्रेंड्स यहाँ पर जो न्यू वन दे रखा है इसमें देखें आप हमने टेबल को हमने क्या किया दो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो अब वॉल्यूम नंबर एंड ईयर ठीक है वॉल्यूम नंबर नंबर एंड ईयर ये जो है अगर हम यहाँ पे देखें फ्रेंड्स तो बेसिकली वॉल्यूम एंड नंबर ठीक है वॉल्यूम एंड नंबर इज अ प्राइम एट्रीब्यूट तो इससे हम जो है ईयर को निकाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो दीज आर द ये क्या हो जाएगा ये टू एन एफ में भी है और ये बेसिकली थ्री एन एफ में भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है बट हमें यहां से क्या पूछा है फ्रेंड्स कि जो वीकेस्ट जो नॉर्मल फॉर्म है हमें वो पूछा है वीकेस्ट नॉर्मल फॉर्म ठीक है तो टू एन एफ थ्री एन एफ में कंपेयर करें तो वीकेस्ट इसमें क्या हो जाएगी टू एन एफ नॉर्मल फॉर्म ठीक है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर बी सही हो जाएगा ठीक है पार्शियल डिपेंडेंसी सो इट डज नॉट फॉलो द टू एन एफ टू एन एफ को फॉलो नहीं करती बट देयर इज नो पार्शियल डिपेंडेंसी इन द न्यू रिलेशन दूसरी जो नया जो रीडिजाइन किया है हमने टेबल को उसमें कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है क्योंकि हमने टेबल को डीकम्पोज कर दिया है डीकम्पोज करने के बाद में जो है रिलेशन अब टू एन एफ में है और थ्री एन एफ में भी है थ्री एन एफ में क्यों है फ्रेंड्स क्योंकि दीज यहां पे अगर मैं बात करूं वॉल्यूम एंड नंबर इज द सुपर की ठीक है इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं तीनों को ही डिराइव कर सकते हैं जब तीनों को डिराइव कर सकते हैं तो वॉल्यूम एंड नंबर जो ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है ये क्या बन जाएगी आ, ये थ्री एन एफ में बन जाएगा ठीक है टू एन एफ में तो है ही है लेकिन थ्री एन एफ में भी बन जाएगा ओके ईयर जो है प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है लेकिन यहाँ पर आ, जो फर्स्ट जो टू एट्रीब्यूट है वो क्या है सुपर की क्रिएट कर रहे हैं ठीक है ठीके? तो ये रिलेशन जो है टू एन एफ में तो था ही था डिकम्पोज करने के बाद में टू एन एफ में तो हो ही गया था लेकिन थ्री एन एफ में भी हो गया बट यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं टू एन एफ जो है वो वीकेस्ट नॉर्मल फॉर्म है डेट इज अ न्यू डेटाबेस सेटिस्फाइज ठीक है थ्री एन एफ नहीं है यहाँ पे वीकेस्ट नहीं होकर लेटेस्ट पूछा होता तो थ्री एन एफ होता बट द ओल्ड वन डज नॉट ओल्ड जो है सेटिस्फाई नहीं कर रही है लेकिन न्यू वन सेटिस्फाई कर रही है तो एन एफ क्या हो जाएगा यहाँ पे द नॉर्मल फॉर्म तो ऑप्शन बी इज द ट्रू एंसर ठीक है सो फ्रेंड्स ये थे दो हजार सोलह सेट वन के क्वेश्चन डेटा बेस रिलेटेड आई होप इस पर्टिकुलर सेशन से जो हमारे आज का कंसेप्ट है फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया होगा थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो